प्रदेश भाजपा की नई टीम के स्वरूप को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बैठक आज दिल्ली में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में संगठन में शामिल किए जाने वाले नामों पर मोहर लग जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों अपनी टीम को आकार देने की कवायद में जुटे हुए हैं। पिछले हफ्ते महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के इस सिलसिले में दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री बी.एल. संतोष के साथ पहले चरण की बैठक हुई थी। केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट संकेत दे चुके हैं कि नई टीम में अधिकांश नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इस कड़ी में संगठन से हटाए जाने वाले नेताओं को बीजेपी सरकार में दायित्व सौंपे जा सकते हैं। लगातार दूसरी बार सत्ता में आई बीजेपी ने अब तक 2-3 नियुक्तियों को छोड़कर विभिन्न निगमों, परिषदों और आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्तियां नहीं की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन की नई टीम तैयार होने और इसकी घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री दायित्वों का भी बंटवारा कर देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी को अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार नहीं करना चाहिए। बीजेपी को एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो उत्तराखंड के बारे में सोचे। वहीं बीजेपी का कहना है कि धड़ों में बटी कांग्रेस बीजेपी को नसीहत दे रही है, जबकि कांग्रेस को खुद अपने गिरिबान में झांकना चाहिए और अपनी टीम पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी किसी को दरकिनार नहीं करती, जबकि कांग्रेस में हमेशा बड़े नेताओं को नकारा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी नई टीम का कब ऐलान करते हैं, कब नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की खबरें भारतीय जनता पार्टी के हमसे छन के आ रही है कि साथ बड़े वरिष्ठ लोगों को दरकिनार करने की योजना है, हमारा कहना है कि देखिए, सभी जो लोग पार्टी संगठन के या किसी भी पार्टी को, हमारे भी होंगे या दूसरी पार्टी भी होगी, जो लोग रात दिन काम करते हैं पार्टी को जिता करके सत्ता तक पहुंचाते हैं, तो वरिष्ठता का सब जगह ख्याल रखना जाना चाहिए। और अगर ऊर्जावान कुछ नौजवान भी हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी अध्यक्ष के लिए जो है ये बहुत जरूरी है। और एक संतुलित और अच्छी टीम बनाएंगे जो पहाड़ के हितों के बारे में सोचने वाली होगी, उत्तराखंड के हितों के लिए लड़ने वाली होगी। आज पलायन और बेरोजगारी इस राज्य की सबसे मुख्य समस्या है। अगर नई टीम में पहाड़ के दर्द को समझने वाले, राज्य के दर्द को समझने वाले लोग होंगे तो निश्चित उसका लाभ राज्य को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है और हमारा काम करने का एक निश्चित तरीका है। निश्चित समय पर हमारे यहाँ संगठन के चुनाव होते रहते हैं और संगठन में नए लोगों को स्थान दिया जाता है, पुरानों का अनुभव का फायदा लिया जाता है और जो मतलब कार्यकर्ता के लिए काम और कार्य के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध हैं हमारे पास, तो निश्चित रूप से जो भी हमारे टीम बनेगी उसमें नए लोगों का और पुराने लोगों का अच्छा समावेश। देखिए, ये तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विवेक के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से देखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि निश्चित रूप से नए लोगों को भी अवसर दिया जाता है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संजीव जी, नई टीम संगठन को प्रभावशाली फिर से बनाने की कवायद, महेंद्र भट्ट दिल्ली में खाका तैयार कर रहे हैं, खाका तैयार उत्तराखंड से हो चुका है, लेकिन लगातार ये चर्चाएं निकल कर आ रही हैं कि कई वरिष्ठों को दरकिनार किया जा सकता है या फिर उन्हें सत्ता में एडजस्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है और हम अभी 2022 का अभी हमारा जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपना पूरे मनोयोग से काम किया। सभी लोगों ने अपनी पूरी क्षमता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में वापसी कराने का काम किया और जो भी लोग अभी सत्ता में अभी संगठन में थे और कुछ और भी लोग
तो नए और पुराने सभी लोगों का एक सामंजस्य बिठाते हुए, जैसा हमारे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी वो जैसा उचित समझेंगे, और जिन जिन कार्यकर्ताओं को संगठन की जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे तो हम उन सभी का स्वागत करते हैं, और उनका जो भी निर्णय होगा सभी वो एक बेहतर बेहतरीन निर्णय होगा, और सभी कार्यकर्ता हमारे सक्षम है, और सभी के अनुभवों का लाभ लेते हुए वो जैसा उचित समझेंगे एक जो जो नई टीम है उसका गठन होगा। और मैं सोचता हूँ कुछ लोग संगठन में आएंगे, कुछ लोग सरकार में जाएंगे, लेकिन यह इट हैपेंस ओनली इन बीजेपी कि जहाँ पर एक बूथ का जो एक कार्यकर्ता होता है वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इट्स हैपन ओनली इन बीजेपी, अन्य दलों में इस तरह की परिपाटी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता बेस पार्टी है और अनुशासित पार्टी है, और जो भी होगा एक बेहतरीन टीम अभी हम सबके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए एक सुगठित सुव्यवस्थित संगठन ही प्रभावशाली सत्ता का निर्माण करता है, और शायद आप इसमें कमजोर साबित हुए, इसलिए शायद सत्ता नहीं मिल पाई। क्या लगता है कि बीजेपी से आपको सीखने की जरूरत है? देखिए हमको जो है बीजेपी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी एक कार्डर बेस पार्टी है और हम लोग मास बेस पार्टी है, और जहाँ तक कांग्रेस संबंध है तो कांग्रेस की अपनी नीतियां अपनी रीतियां अपने सिद्धांत है, और कांग्रेस अपने तरीके से काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो तो सबके सामने है। इस प्रकार से जो है संगठन में हो या इनके जो है जो अनुसांगिक संगठन है इस प्रकार से जो है नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो ये तमाम जो है अलग अलग विचारधाराओं की बात है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी का गठन का सवाल है, जनता पार्टी का अग्रणी मामला है, परंतु इस प्रकार से आज के समय में वरिष्ठता और श्रेष्ठता को दरकिनार करके जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है और पर चिंता का विषय है, जो अनुभवी लोग हैं उनको किस प्रकार से दरकिनार कर दिया जा रहा है ये सर्वविदित है। नहीं, वो संजीव जी एक बात पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब आपको देना चाहिए कि वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो बूथ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, आपके यहाँ ये नहीं हो सकता, ये बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। ये तो इनका केवल कहना मात्र है, ऐसा कहीं नहीं है, हर जगह होता है, हर संगठन में होता है कि कोई भी व्यक्ति नीचे नीचे से जाकर त्रिशूल जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल गांधी परिवार का बन सकता है। क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपके यहाँ से कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आपने? बिल्कुल बूथ का कार्यकर्ता है, किसी बूथ के कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष। अब आप दीजिए जवाब, अब जवाब दीजिए। देखिए संजीव जी त्रिशूल जी वर्तमान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी हैं, वो उन्होंने बूथ से अपनी राजनीति का आरंभ किया, बूथ के कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसा उन्होंने स्वयं भी इस बात का उल्लेख किया। तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, चाहे देखने वाला एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और जबकि कांग्रेस पार्टी में जब तक गांधी परिवार का टैग ना हो आप किसी भी उच्च स्तर पे नहीं पहुंच सकते, और यदि आप पहुंचने का प्रयत्न करेंगे तो आपका स्थान पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम वो भी गांधी परिवार के दिशा। संजीव जी देखिए बता दिया संजीव जी ने, तो
सूरज सिंह जी के बना है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर से, लेकिन ये बात आपको भी समझनी होगी, आपका जवाब दे दिया उन्होंने। त्रिशूल जी, त्रिशूल जी, जैसे अभी मेरे भाई नेगी जी ने कहा, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का एक स्थान सर्वोच्च है, और हमारा और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो तमाम एक दूसरे को की भावनाओं की कदर करते हैं, और पार्टी सर्वोच्च, देश प्रथम, पार्टी सेकेंडरी, और बाकी सब चीजें थर्ड उसमें। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर, संजीव जी, मैं आऊंगा, संजीव जी, पार्टी के अंदर गांधी परिवार फर्स्ट, देश सेकंड, और बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं, तो हमारे हमारी नीतियों में। मैं आऊंगा, आऊंगा संजीव जी, आऊंगा। दिनेश दिनेश जी के पास मैं, सूरज जी कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं फिर दिनेश जी के पास जाऊंगा। देखिए जो है संजीव जी कई बातें कह रहे हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पार्टी, अगर आपकी पार्टी अनुशासित होती तो इस उत्तराखंड में आपको किसी मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ना आती। तीन साल में जो है तीन प्रदेश अध्यक्ष बदलने की आती। अरे भाई, ये बदलने की हिम्मत करके भी जीत गए ना, ये बदल बदल के भी जीत गए, आप नहीं बदल के भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे यहाँ तीन मुख्यमंत्री, ये अदला बदली में भी जीत गए भाई आपसे। हमारे यहाँ तीन मुख्यमंत्री बदले, लेकिन कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, सबने जो भी। ठीक है, मैं आऊंगा, आऊंगा बिल्कुल। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। संजीव जी, सूरज सिंह जी, मैं आऊंगा। दिनेश जी, मैं आऊंगा, मैं एक बार बिल्कुल। संजीव जी, संजीव जी, सूरज जी, संजीव जी, सूरज जी, दिनेश जी, क्या लगता है आपको कि सांगठनिक दृष्टि से, दिनेश जी मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, संजीव जी, सूरज जी आ रहा हूँ। दिनेश जी, क्या लगता है सांगठनिक दृष्टिकोण से रणनीति बनाने में आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी बाजी मारती रही और कांग्रेस इस पर जो आत्ममंथन था उसको करने से कतराती रही, और शायद वर्तमान स्थितियाँ भी यही है, या कुछ और आपको लगता है? वो कोई उचित नहीं है, ये संगठन का अपना अंदरूनी मामला होता है। संगठन जिस कार्यकर्ता से काम कराना जानती है, वो जो काम करता है उस आदमी को महसूस करती है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये उनकी सोच पर उनके नेताओं की सोच हो जाए। अब महेंद्र जो अपना मर्जी को अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, ये सीनियर भाजपा के नेता है, रह चुके हैं, पूरी जानकारी उत्तराखंड की उनके पास है, और जो उनकी भाजपा के कार्यकर्ता है, अगर वो तेरह दिनों के अंदर अध्यक्ष बनते हैं तो वो उसके अनुभव के ऊपर जाके उसके अपना काम कराएंगे, क्योंकि 2024 में चुनाव सरकार आ रहा है, वो सब देखते हुए। बाकी कांग्रेस के अंदर अगर आपस में संगठन रहते, आपस में भेदभाव ना होते, तो शायद उनका भाजपा सदन ना होता, उनका कारण यही है कि संसद में हिस्सा नहीं थी, तो संसद के अंदर वो अपने हिसाब से वो आगे तय नहीं कर पाते थे। वहाँ पर श्रीनाथ भाई बाजी और दोस्त वाली और रिश्तेदारी ज्यादा साफ करती थी, इसलिए कांग्रेस का हार का कारण उनका संसद के अंदर एक तो ना होने के कारण ही हार का कारण है। ये बात वर्मा जी की थी, क्योंकि उनके जो अपने जो गोपा जी का कहना थी, मैं उसके संसद के अंदर एकता है, उस संसद के हिसाब से अपने हिसाब से कार्यकर्ता को चुनते हैं, कार्यकर्ता फिर उसके हिसाब से काम नहीं करता है। और महेंद्र भट्ट जी जो अध्यक्ष जी है, उनका पूरा एक्सपीरियंस है, उनको पूरी बात को उत्तराखंड में उनकी जानकारी है, और वो पूरी यहाँ से पूरी की पूरी जो है वो अपनी प्रतिक्रिया तैयार करके गए हैं दिल्ली के अंदर, जिनको मैंने कहा प्रसाद करना है, किसको मैंने कह दायित्व देना है, किसको नहीं देना, उसके हिसाब से पूरा सर्च करने के बाद पूरी प्रणाली बना कर ही दिल्ली गए हैं, ताकि अपने सीधे अधिकारियों से इजाजत ले सके, सलाह मशवरा ले सके। भाजपा के नेता है जिनको ये दूसरा दायित्व देना चाहते हैं, हो सकता है उनको लाभपति से माना जाए, उनके उनको कार्यभार ज्यादा दिया जाए, ताकि उनको संगठन को मजबूती पैदा हो, और धामी सरकार को ठीक है। भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, वो अपने हिसाब से जिसको रखे जिसको ना रखे, ये उनका मामला ऐसा है, इसके अंदर कांग्रेस बहुत से करने की जरूरत नहीं है,
अगर पार्टी है तो अपने पार्टी है, अपनी इच्छा नहीं करवाती, क्या जरूरत है किसी के घर के अंदर भागने की। वो आदमी किसी के भी काम करा, चाहे वो पुलिस करता हो, चाहे वो छोटा वो कोई भी काम वाला हो, बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया है दिल्ली तक, और लगातार जो दौड़ लगाई जा रही है कि किसको संगठन में लाना है, किसको सत्ता में लाना है, लेकिन फिर भी कुछ असंतुष्ट चेहरे निकले तो त्रिशूल जी, देखिए मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, और हमारे यहाँ संगठन के ऊपर पूरा विश्वास किया जाता है, पूरा भरोसा किया जाता है, और पार्टी को भी इस बात की पूरी जानकारी रहती है। हमारे सभी कार्यकर्ता सक्षम है, और पार्टी को किससे क्या काम लेना है, कौन सी जगह उसकी ज्यादा उपयोगिता है, वहां पर उसका उसका उपयोग किया जाता है। और हमारा हर कार्यकर्ता पूरा का पूरा उसके दिल और दिमाग में वही एक ही मंतव्य होता है कि मैंने कमल खिलाना है, और कमल को मैंने सर्वत्र खिलाना है। चाहे अभी जैसे 2023 के हमारे पंचायतों के निकायों के नगर निगमों के विभिन्न चुनाव हैं, और 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जिसकी जहां पर जैसी उपयोगिता होगी संगठन, उनको उसी हिसाब से समायोजित करने का काम करेगा। और मैं सोचता हूँ सभी कार्यकर्ताओं का अपने संगठन के ऊपर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा होता है। और जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि तीन तीन मुख्यमंत्री बदल दिए, अरे भाई हमने तीन मुख्यमंत्री बदले और तीनों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में आप देखिएगा, पंजाब में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बदला, तो पार्टी को त्यागने का काम किया, पार्टी को छोड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया, और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने पूरी तरह से रिवोल्ट कर दिया वहां पर, और वहां पर पंजाब में प्रभारी की जो बड़ी भूमिका निभा रहे थे हरीश रावत जी थे, उन्होंने उन्होंने जिस तरह से पंजाब को तोड़ने फोड़ने का काम किया और पूरी तरह से वहाँ के सिस्टम को ध्वस्त करने का काम किया, मैं सोचता हूँ कांग्रेस की ये परिपाटी और इसी अनुशासनहीनता को बिल्कुल नाम दे रहे थे। सूरज सिंह जी, मैं पूछ लेता हूँ भाई, पूछ लेता हूँ, संजीव जी पूछ लेने दीजिए सवाल। सूरज सिंह जी, देखिए बीजेपी में और कांग्रेस में ये फर्क है कि ये अपने विद्रोह जो होता है उसको भूमिगत रख लेते हैं, लेकिन आपका विद्रोह चरम पे पहुंच जाता है, और शायद यही नुकसान का आपके लिए सबसे बड़ा कारण है। देखिए त्रिशूल जी, जिस प्रकार से हमारे मित्र संजीव जी अनुशासन और ताकत की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस एक मास लीडर पार्टी है और कांग्रेस का जो नेता है वो मास लीडर है। ये कैप्शन से पैदा किया हुआ संगठन के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैला करके ये सत्ता में नहीं आते, ये लोग समाज के बीच में अपना वजूद बना करके संघर्ष करने के बाद भी आते हैं। और यहाँ तक उनका एक सवाल था कि यहाँ पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, आज तक उस व्यक्ति की बेची हुई चाय किसी ने पी नहीं, और उनके प्रधानमंत्री जी के भाई का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग बोलते हैं कि चाय बेचने वाला वो गलत बोलते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री है, ये बात तो समझ आ सकती है, पर चाय बेचने वाला किसी ने चाय पी नहीं, किसी ने बेचते हुए देखा नहीं, तो ये जो इस प्रकार की बातें हैं ये केवल और केवल जो है लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं, अपने तरीके से बात को इधर उधर करने वाली बातें हैं। जहाँ तक ये काफी कांग्रेस के परिवर्तन के बारे में उसके बारे में बात कर रहे थे, देखिए जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने भी
केवल अगर अनुशासन के नाम पर एक ही प्रदेश से है, प्रधानमंत्री भी उसी प्रदेश से आ जाते हैं, गृह मंत्री भी उसी प्रदेश से आ जाते हैं और तमाम दूसरे भी जो है केवल जो है लोगों का जैसे अभाव हो गया है। आरोप आपके दमदार नहीं है, दमदार आरोप लगाइए, यही आप विफल साबित हो रहे हैं। सारे गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार एक करके आप बात रख लेंगे ना, सबको समझ में आ जाएगी। अच्छा कुछ पूछ रहे हैं संजीव जी पूछ रहे हैं। संजीव वर्मा जी सुन लीजिए भाई। जब जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके साथ कलकत्ता में सरकार किसने बनाई, कांग्रेस ने बनाई थी या हिंदू महासभा ने बनाई थी, आप बताइए ना। आप लोग देश के बंटवारे के लिए केवल और केवल आरएसएस जिम्मेदार है, आप जो है सांप्रदायिक सोच जिम्मेदार है और वो आज भी जो है इस देश को खोखला करने में। 2022 के चुनाव में आप जवाब ले लीजिए। सूरत सिंह जी जवाब ले लीजिए भाई। सूरत सिंह जी जवाब ले लीजिए। संजीव जी, त्रिशूल जी, अभी 2022 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही गई कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम जुम्मे की नमाज की छुट्टी देंगे और उसके बाद आप सीधा भारतीय जनता पार्टी के किसने कहा बता दीजिए, कांग्रेस में ये बात किसने कही? उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात किसने कही कांग्रेस में, बता दीजिए भाई। पूरी तरह से नाम निराधार है, झूठ बोलने का आप लोग काम करते हैं, झूठ तो आप लोगों को शर्म ही नहीं आता। त्रिशूल जी 2022 का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर लड़ रही थी। हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे। आप बताइए ना, मेरे भाई, आप लोगों के पास कोई विजन नहीं था विकास का। हमने पूरा चुनाव जो हमने विकास का काम किया। ठीक है भाई। संजीव जी, सूरज सिंह नेगी जी, दिनेश शक्ति जी, समय समाप्त हो रहा है। आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल बीजेपी के पास एक सुगठित रणनीति है और कांग्रेस उस रणनीति का मुकाबला करने में अभी तक नाकामयाब साबित रही है और यही बात उत्तराखंड में कांग्रेस को सीखनी होगी कि कैसे बीजेपी का सामना करने के लिए संगठन को एकीकृत किया जाए। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN News।